हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जिस टाइम का इंतजार था वो टाइम आ चुका है। कनाडा ने जो है वो न्यू पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, यहां पर 2019 से लेके 2020 तक का जो कोटा रखा गया था कनाडा की तरफ से, वो अब फुलफिल हो चुका। अब यहाँ पर जो 2020 का नया कोटा था, जो कि 2020 से लेके 2021 तक का, कनाडा ने फाइनली वो अनाउंस कर दिया है, जो कि है 3,41,000। दोस्तों, 3,41,000 न्यू इमिग्रेंट्स जो है वो जा सकेंगे कनाडा, वहाँ पे काम कर पाएंगे और अपनी फैमिली के लिए भी कुछ ना कुछ कर सकेंगे। फ्रेंड्स, बात की जाए यहाँ पर के पहले जो कोटा रखा गया था उसके अंदर से भी 4,00,000 जॉब्स रह गई थी, जो कि इसी कोटे के अंदर शामिल कर दी जाएगी। तकरीबन अगर देखा जाए तो 7,00,000 के करीब कुछ जॉब्स आपको यहाँ पर 2020 में देखने को मिलने वाली है। जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि 8,00,000 जॉब्स आपको देखने को मिलेगी, बट यहाँ पर आपको मिलेगी अभी 7,00,000 और कुछ जॉब्स। और फ्रेंड्स, यहाँ पर 2020 में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कनाडा जाने के। अब हम यहाँ पर बात करें कि दोस्तों, जो भी लोग वहाँ पर जाएंगे तो वो PR भी गेट कर पाएंगे और साथ ही में सेटलमेंट भी कर पाएंगे। वहाँ पर जाके बहुत सारे लोग सेटल भी हो पाएंगे और साथ ही में PR भी ले पाएंगे, वर्क परमिट ले पाएंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे बात की जाए कि कौन से ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जिसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे आगे जाने के, तो यहाँ पर नंबर 1 के ऊपर जो प्रोग्राम है वो है अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, जो कि हमेशा से टॉप पर रहा है और इसके अंदर बहुत जल्दी चेंजेस भी आने वाली है। 2020 में कनाडा की तरफ से इसके अंदर और भी नरमी दिखाई जाएगी, ये कनाडा गवर्नमेंट का खुद का बोलना था। यहाँ पर सेकंड प्रोग्राम की बात की जाए तो वो है रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। फ्रेंड, 2019 के अंदर भी काफ़ी लोग इमिग्रेट हुए इसी प्रोग्राम के तहत, और अब भी 2020 के अंदर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इसी के तहत लोग जा पाएंगे। अब फ्रेंड्स, बात की जाए यहाँ पे 11 कम्युनिटीज़ की, क्योंकि रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम में 11 कम्युनिटीज़ को नॉमिनेशन दी गई है, तो यहाँ पर अभी तक 4 कम्युनिटीज़ ओपन हो चुकी है। अब बहुत जल्द बाकी कम्युनिटीज़ भी आपको देखने को मिल जाएगी, वो भी 2020 के मिड में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात की जाए थर्ड प्रोग्राम की, जो कि बहुत फेमस होने वाला है, लेकिन ये 2020 की मिड में आएगा। इसका नाम है म्यूनसिपल नॉमिनी प्रोग्राम। ये उनके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है जो कि 12 क्लासेस पास हैं या तो फिर ज़्यादा क्वालिफिकेशन हासिल नहीं कर पाए, IELTS के अंदर अच्छे नंबर नहीं हैं, तो उनके लिए म्यूनसिपल नॉमिनी प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। फ्रेंड्स, ओंटोरियो ने भी जो है अनाउंस कर दिया है, 3 कम्युनिटी अभी इसके अंदर नॉमिनेट हो चुकी है। अब बहुत ही जल्द कनाडा इसको अनाउंस करने वाला है, वो भी ऑफिशियली। अब फ्रेंड्स, बात की जाए कि यहाँ पे और मजीद कौन कौन से प्रोग्राम हैं जिसके तहत आप जा सकते हो, तो ये आ जाते हैं हम कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। यहाँ पर है एक्सप्रेस एंट्री। एक्सप्रेस एंट्री में हर साल काफ़ी ज़्यादा लोग इमिग्रेट होते हैं, तो जाहिर सी बात है इस साल भी होंगे। उसके बाद है प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम, तो फ्रेंड्स इसके तहत भी बहुत सारे लोग जाते हैं। नंबर 3 के ऊपर आ गया हमारा अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, जिसके अंदर काफ़ी नरमी दिखाई जाएगी। 4 प्रोविंसेस के अंदर आपको जॉब हासिल करनी है और देन फिर आप जा सकते हो। अभी देखते हैं कि कनाडा गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या फैसला करती है, क्या इसमें नरमी दिखाई जाती है। उसके बाद बात की जाए तो यहाँ पर है स्टार्टअप वीज़ा। दोस्तों, स्टार्टअप वीज़ा के अंदर सीन ऐसा है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, फंड मौजूद नहीं है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि अपना बिजनेस आइडिया शेयर करना है। अगर आपका बिजनेस आइडिया वहाँ के जो भी लोग हैं उनको पसंद आता है, जो कि गवर्नमेंट ने रखा है, ठीक है, उनको पसंद आता है, तो वो आपको बिजनेस स्टार्टअप वीज़ा पे बुलवा सकते हैं और आप वहाँ जाके अपना बिजनेस भी खोलने में वो आपकी मदद करेंगे और साथ ही में आपको PR भी मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स, बात की जाए रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम की, जिसके तहत काफ़ी ज़्यादा लोग जाते हैं। अब यहाँ पे सीन ऐसा है दोस्तों कि बहुत सारे लोग जब भी जाते हैं तो हमेशा बिग सिटी का सोचते हैं। आप भी अगर कनाडा जाना चाहोगे तो आप यही सोचोगे, यार मैं किसी ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ पर मतलब अच्छा हो, इन्वायरमेंट अच्छा हो, इसके अलावा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हों, ये हों। तो यहाँ पर कनाडा ने ये चीज़ देखते हुए कि यार बिग सिटीज़ में तो काफ़ी ज़्यादा लोग सेटल हो चुके हैं, इसीलिए ये रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम निकाला गया है, जो कि रूरल एंड नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वहीं पे आपको जॉब गेन करनी है और साथ ही में नॉमिनेशन लेके आप वहाँ बिल्कुल आसानी जा सकते हो। उसके बाद बात की जाए तो ये फैमिली स्पॉन्सरशिप। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहे हैं कि सर हमारे रिलेटिव हैं या हमारा स्पोज वहाँ पर मौजूद है, तो क्या वो हमें स्पॉन्सर करे तो हम जा सकते हैं। बिल्कुल, आप फैमिली स्पॉन्सरशिप के तहत जो है वो वहाँ पे जा सकते हो और इस प्रोग्राम के तहत आपको PR भी इशू किया जाएगा। उसके बाद है क्यूबेक सेलेक्ट स्किल वर्कर। फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम भी अपने टाइम में काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ है, लेकिन अभी तक इसके अंदर कोई मजीद अपडेट देखने को नहीं मिली।
अगर कोई मिलती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। वैसे इसके तहत भी बहुत सारे लोग इमिग्रेट हुए हैं। अब उसके बाद बात की जाए एग्री फूड इमिग्रेशन पायलट की, इसके अंदर भी दोस्तों बहुत जल्द आपको नया अपडेट देखने को मिलने वाला है और मुझे वो अपडेट पता है लेकिन मैं आपको अभी बता नहीं सकता। हाँ, अगर ये ऑफिशियली लॉन्च हो जाता है तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा और ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ हो सकती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।